भारतीय सेनाएं भारत की अखंडता का प्रतीक हैं। यहां सभी सैनिक जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करते हैं, इसलिए यहां आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं है। ये वो तर्क, ये वो लॉजिक है जब भारतीय सेनाओं में नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी कि एससी एसटी ओबीसी को जाति के आधार पर जो डाइवर्सिटी है, भागीदारी है, उसको सुनिश्चित किया जाए। तो तब ये तर्क दिया गया था कि उनमें क्योंकि एक सैनिक की भावना होती है, सेना एक होती है भारत की रक्षा के लिए, इसलिए वहां आरक्षण लागू नहीं करना चाहिए, जाति धर्म का बंटवारा नहीं करना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब लोग मांग कर रहे थे कि वहां लागू हो, तो तब ये तर्क दिया गया था। लेकिन अब उसके बाद आप देखें तो भारत की तीनों सेनाओं में आरक्षण लागू नहीं हुआ। तीनों सेनाओं में ओपन रिक्रूटमेंट होती है और वहां दलितों को, पिछड़े आदिवासियों को, उनकी जाति के साथ जो वंचना उन्होंने झेली, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ, उसकी वजह से उनको कोई फायदा वहां पर नहीं मिलता। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जहां आरक्षण लागू नहीं है वहां दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जाति क्यों पूछी जा रही है, उनसे कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है। ये विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय सेना और सरकार ने जो अग्निवीर योजना लागू की है, जिसमें 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों यानी सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा और महज 25% सैनिकों को ही पक्का किया जाएगा, उसकी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है उसमें भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो दस्तावेज मांगे गए हैं उसमें ये भी कहा गया है कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अब यहाँ ये विवाद उत्पन्न हो गया है कि जिन सेनाओं में, जिस आर्मी में आज तक आरक्षण ही लागू नहीं है, एससी एसटी ओबीसी को कोई जातिगत फायदा मिलता ही नहीं है, तो भारतीय सेना और भारत सरकार जो हमेशा ये कहती रही है कि भारतीय सेनाएं जाति और धर्म से ऊपर हैं, उनको इस तरह से नहीं विभाजित किया जाना चाहिए, वो लोगों की, कैंडिडेट की, अग्निवीरों की जाति क्यों जानना चाहती हैं। ये बहुत जरूरी सवाल उठ खड़ा हुआ है क्योंकि सेना ने तो कास्ट सर्टिफिकेट मांग लिया है। अब यहां ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि जब उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन 4 साल बाद जब सिर्फ 25% अग्निवीरों को पक्का किया जाएगा, उनको परमानेंट रिक्रूटमेंट दी जाएगी, तब कहीं जाति देखकर उनके साथ भेदभाव तो नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं भारत एक जाति प्रधान देश है। आप लोग उसे कृषि प्रधान कहते हैं लेकिन असल में भारत जाति प्रधान देश है, जहां किसी व्यक्ति के साथ उसके जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होगा, क्या वो अच्छी जिंदगी जिएगा या उसके साथ कुछ बुरा होगा, उसको अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ाई लिखाई मिलेगी, या वो किसी उत्पीड़न का शिकार होगा, ये सब उसकी जाति के आधार पर ही तय होता है। आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत बहुत बार आपकी जाति से ही तय होती है, इसलिए ये डर, ये आशंका भी है कि जब जातियों का आपको पता चल जाएगा तो क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद जब 4 साल में आप उनको पक्का करेंगे तो कहीं जाति के आधार पर भेदभाव तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देश में मिलने को, आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव होता है, वो एक स्थापित तथ्य है। लेकिन इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी बैकग्राउंड से लोग जाएंगे, कहीं उनकी छटनी जाति के आधार पर तो नहीं की जाए। ये एक सवाल उठ खड़ा हुआ है अग्निवीरों की रिक्रूटमेंट में। वैसे तो आप जानते हैं कि इस योजना को लेकर ही बहुत बवाल हो रहा है कि क्यों ये भर्ती इस तरह से 4 साल से की जा रही है, सेना में ठेकेदारी प्रथा क्यों लागू की, लेकिन ठेकेदारी के अंदर भी जातियों को वरीयता मिल सकती है और जब पक्के करेंगे तब भी जाति के आधार पर छटनी हो सकती है। जो भी सेना के अधिकारी होंगे, हो सकता है वो जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित हों और अपनी जाति के लोगों का फायदा करें, इस बात की आशंका भी बहुत सारे लोग जाहिर कर रहे हैं। इस बारे में हम कुछ और भी सवाल जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट के बारे में बात बताना चाहता हूं, जिसमें CDS और NDA के जरिए जो रिक्रूटमेंट होती थी सेनाओं में, जो भर्तियां होती थी, उसमें एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि CDS और NDA में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, दलितों, पिछड़े, आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि उनकी भागीदारी कम है। तब ये जब उस पर सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि इसके लिए जरूरी नहीं है
कि इसमें भी आरक्षण लागू किया जाए। उसमें एस सी एस टी ओ बी सी कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि सामाजिक क्रांति एक रात में नहीं होती, सशस्त्र सेना समरूप इकाई है, इसे जाति या पंथ में विभाजित नहीं करना चाहिए। ये इसी साल की खबर है और इसी साल जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी तो ये मोदी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था कि सामाजिक न्याय एक रात में नहीं होता, समग्र इकाई है, एक है अखंड भारत, अनेकता में एकता, विविध भारत उसकी एक समरूप इकाई है भारतीय सेनाएं, वहां पर एस सी एस टी ओ बी सी को कोटा नहीं दिया जा सकता, ऐसे ही रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, उनको ज़रूरत नहीं है कि दिया जाए। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि कोई ज़रूरत नहीं है वहां पर लागू करने की, इसलिए वहां आपको ये इस तरह की सकारात्मक कहें कि भेदभाव यानी एफर्मेटिव एक्शन उनके साथ नहीं लागू होगा, ये ऑफिशियल स्टैंड था। लेकिन अब सरकार, वही मोदी सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में ये कहती है कि उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है उनको जाति और धर्म के आधार पर बांटने की, वही मोदी सरकार सेनाएं आप देखें आप जाति और धर्म का प्रमाण पत्र मांग रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ज़रूरत है जब वहां पर उनको जाति के आधार से क्या एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे, क्या उनको कोई क्वालिफिकेशन में छूट दी जाएगी, शारीरिक मापदंड में कोई छूट मिलेगी, अटेम्प्ट को लेकर छूट मिलेगी कि उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिलने वाली, कोई फायदा नहीं मिलने वाला, फिर जाति जानकर आप क्या करेंगे, आपको क्यों जानना है कि सेना में कौन सी जाति के लोग कितने हैं, क्यों उनकी भर्ती में इस तरह की आपने बाध्यताएं रख दी हैं कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस मामले पर सोशल मीडिया पर काफी हल्ला मचा हुआ है और बहुत सारे लोग इस बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। मैं आपको सोशल मीडिया की कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाता हूं, जिसके बाद आपको ये खबर समझने में और आसानी होगी। संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है, क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना में भर्ती के काबिल नहीं मानते, भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है, मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर। ये बहुत बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी अग्निवीर बनाना चाह रहे हैं या जातिवीर, जाति के आधार पर लोगों की रिक्रूटमेंट क्यों हो रही है। तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी एक ट्वीट किया इस बारे में, उन्होंने लिखा है जात ने पूछो साधु की लेकिन जात पूछो फौजी की, संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ी आशंका, एक डर की ओर इशारा किया है कि जिस तरह से भारत के तमाम संस्थानों को, तमाम संगठनों को आरएसएस के लोगों के कब्जे में दे दिया है, चाहे वो जुडिशरी हो, बड़े बड़े पद आप देखें कि भारत की जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इस तरह के जो तमाम बड़े बड़े संस्थान थे सब आरएसएस के लोगों के कब्जे में हैं, और अब सेना में क्या आरएसएस के कब्जे की तैयारी हो रही है, इस ओर तेजस्वी यादव आशंका जाहिर करते हैं। अब जरा सोचिए जिस तरह से भारत में बीजेपी के सत्ताधारी, बीजेपी के नेता खुलेआम हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, खुलेआम संविधान को बदलने की मांग करते हैं, मनुस्मृति को लागू करने की मांग करते हैं, तो अब ये सोचिए कि जब सेना में सब लोग भर्ती होंगे तो बाद में जब 25% को पक्का करना होगा तो 4 साल में क्या वो इस लोगों, इन जो तमाम जो सैनिक हैं लोगों की मानसिकता का, उनके आचार विचार का, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट का, किस पार्टी के बारे में वो कैसा सोचते हैं, किस विचारधारा के प्रति उनका झुकाव है, क्या ये सब वो पता नहीं करेंगे। डेफिनेटली इस बारे में उनको पता चलेगा, इस बात की स्क्रूटनी होगी, उसके बारे में ख्याल रखा जाएगा, और ये बहुत मुमकिन है कि 25% उन लोगों को परमानेंट किया जाए जो संघ के प्रति ईमानदार हों, बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी विचारधारा में यकीन रखते हों, और हो सकता है कि वो इसमें भेदभाव करें, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनका रिक्रूटमेंट किया जाए। तो इस ओर तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी आशंका जाहिर की है कि बाद में हो सकता है कि आरएसएस जो है वो जाति के आधार पर छटनी कर दे और सवर्णों को वहां पर बिठा दिया जाए। अब ये सोचिए कि अगर इस तरह से 10-20 साल ऐसा चलता है और 25% सिर्फ वही लोगों को वहां पर नौकरी मिलती रही, पक्के होते रहे, तो सेना का जो बाद में स्वरूप होगा वो ऐसा होगा जो संघ या बीजेपी जैसी विचारधारा के प्रति ईमानदार होगी, वो एकदम उसके प्रति कहें कि कभी भी ये नहीं सोचेगी कि सरकार ने कुछ गलत किया है तो सेना की क्या जिम्मेदारी, ऐसा वो नहीं सोचेगी, बल्कि संघ, आरएसएस, बीजेपी के जो लोग हैं उसके प्रति ईमानदार वो हो सकते हैं, इसकी आशंका तेजस्वी यादव ने जाहिर की है।
बहुत बड़ी बात है और इसी बात को लेकर आशंका बहुत सारे लोग जाहिर कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने भी ट्विटर पर कई टिप्पणियां की हैं, उनकी टिप्पणियां भी बहुत दिलचस्प हैं। दिलीप मंडल ट्विटर पर लिखते हैं, अब जब सैनिकों की भर्ती में पहली बार जाति पूछी ही जा रही है तो अहिर रेजिमेंट, कुर्मी रेजिमेंट, कुशवाहा रेजिमेंट, गुर्जर रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, पासवान रेजिमेंट बनाने में क्या बाधा है। चमार रेजिमेंट तो पहले भी थी, अफसरों में भी कोटा लागू हो, ये दिलीप मंडल लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि जब भारत की सेना एक है तो फिर जाति आधारित ये रेजिमेंट क्या है। आप देखें, अंग्रेजों ने बंटवारा किया था, जाट रेजिमेंट हो, चमार रेजिमेंट हो, महार रेजिमेंट हो, इस तरह की मांग अलग अलग डिवीजन किए गए थे, क्योंकि उस समय भी भारत के जातियों के लोग आपस में खाते पीते नहीं थे, एक साथ बैरक में सोते नहीं थे, बैठते नहीं थे, तो अंग्रेजों ने अलग अलग बना दिया था क्योंकि उनको तो अपना साम्राज्य चलाना था। और फिर वो बाद में वो चलता आ रहा है, उसी के नाम से वो रेजिमेंट बनी हुई है। हालांकि उन रेजिमेंट में कोई भी जा सकता है, लेकिन बहुलता उस तरह की होती है वहां पर जाति आधारित। तो अब आप जब इस तरह से या तो उनका वो कर दीजिए कि आप सब जातियों के रेजिमेंट बना दें, नहीं तो फिर आपको जाति पूछने की जरूरत क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये वो सरकार कर रही है जो जातिवार जनगणना नहीं कर रही। कितने लोग मांग कर रहे हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय की गारंटी के लिए जरूरी है कि सवर्णों की ओबीसी की जाति की गिनती हो, पता चले कितने लोग कहाँ हैं। उस बारे में मोदी सरकार ने धोखा दिया है, वो जातिवार जनगणना नहीं करा रही। इस बारे में हमारे एक मित्र हैं विवेकानंद सिंह, जो कि पत्रकार है, उन्होंने फेसबुक पर एक दिलचस्प बात लिखी है, उसको भी मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। विवेकानंद सिंह लिखते हैं, मैं सेना या कहीं भी जाति पूछे जाने के खिलाफ नहीं हूं, बशर्ते जब आप जनगणना करते हुए भी लोगों से उनकी जाति पूछो, यानी जाति आधारित जनगणना करवाओ। अगर आप ऐसा नहीं करने जा रहे तो अग्निवीर की जाति क्यों जानना चाहते हैं। सेना भर्ती में तो आरक्षण की भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी जाति पूछने का मकसद क्या है। ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आरक्षण वहाँ लागू नहीं है तो आपको जाति जानना क्यों है, क्यों आप लोगों की जाति जानना चाहते हैं, क्या बाद में उससे जाति के आधार पर छटनी की जाएगी, जाति के आधार पर सेना में लोगों को भर्ती किया जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई और मंशा है। अगर नहीं तो फिर या तो वहाँ पर आरक्षण लागू कीजिए, क्योंकि आप परीक्षा ले रहे हैं, आप रिटन टेस्ट ले रहे हैं, आप फिजिकल टेस्ट ले रहे हैं, आप तमाम तरीके के मापदंड को पूरा करने के बाद लोगों को वहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ मेरिट की दुहाई भी नहीं दे सकते। जो उस टेस्ट को, उस मापदंड को पार करता है वही सैनिक बन सकता है। तो या तो यहाँ पर आरक्षण लागू कीजिए, दलितों, पिछड़े, आदिवासियों की हकमारी जो हो रही है उसको रोकिए, वहाँ आरक्षण लागू कीजिए, या फिर किसी की भी जाति मत पूछिए, क्योंकि इससे आपकी हमको भावना पर शंका पैदा होती है। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए हमें यह आशंका है कि कहीं आप जाति के आधार पर तो छटनी नहीं करेंगे। इस बात को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से लेके कांग्रेस के जो राजेश लिलोटिया हैं, वो सब लोग इस बारे में लिख रहे हैं कि ये गलत बात है। कांग्रेस का भी ऑफिशियल स्टैंड आ गया है, RJD ने भी ये स्टैंड ले लिया है कि भाई आप जाति क्यों पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी ये स्टैंड ले लिया कि जाति क्यों पूछी जा रही है। पॉलिटिकल काफ़ी इसमें हलचल हो रही है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो के बारे में जो मैंने बातें आपको बताई हैं, इस पर आपकी क्या राय है, वो कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत जरूरी हैं। गोदी मीडिया आपकी बात नहीं करता, वो ऐसे मसलों से आपका ध्यान भटकाता है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाने देता, लेकिन हमारे जैसे जो बहुजन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपको ये सच्चाई बताने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आपका साथ हमको बहुत ज़रूरत है कि आप हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारा साथ दें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित कुमार। अगले किस वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।